हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सांपों के बारे में जो पुराने ज़माने से अंधविश्वास भरा हुआ है उसके बारे में जानेंगे। परिचय। हमारे समाज में सांपों को लेकर कई तरह का अंधविश्वास और भ्रम फैले हुए हैं। हमारे साहित्य, हमारी फिल्में और हमारी अंध धार्मिकता इनको कम करने की बजाय बढ़ाने का काम करती है। आज हम इस वीडियो में सांपों से जुड़ी हुई मान्यताओं और अंधविश्वास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानेंगे। क्या सांप दूध पीता है? पहला क्वेश्चन। सांपों से जुड़ी हुई हमारी प्रथम मान्यता यह है कि सांप दूध पीता है। यहाँ तक कि हम नाग पंचमी और अनेक अवसरों पर उन्हें दूध पिलाते भी हैं। तो क्या यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है? इसका जवाब है नहीं। जीव विज्ञान के अनुसार सांप पूरी तरह से मांसाहारी जीव है। ये सांप, मेंढक, चूहा, पक्षियों के अंडे और अन्य छोटी छोटी जीव को खाकर अपना पेट भरते हैं। दूध इनका प्राकृतिक आहार नहीं है। सपेरा को जब भी सांपों को दूध पिलाना होता है तो वो उन्हें भूखा प्यासा रखते हैं। भूखे प्यासे सांप के सामने जब दूध लाया जाता है तो वो इसे पानी समझ के पी लेता है, लेकिन पीने के बाद उस सांप की मौत हो जाता है, क्योंकि दूध के पचाने के लिए हड्डी की ज़रूरत होती है, जो कि सांप में हड्डी नहीं पाया जाता है। क्या सांप मणिधारी होते हैं? सांपों से जुड़ी एक अन्य मान्यता यह है कि कई सांप, ये क्या हुआ? कैसा अनोखा प्रकाश है जो तीर की तरह से निकल गया? शायद कहीं कोई तारा टूटा या कोई बिजली गिरी, जो लेकिन बिजली गिरती तो उसकी आवाज होती। प्रकाश, ये प्रकाश मणि का तो नहीं? हाँ, ये प्रकाश मणिधारी होते हैं। यानी इनके सिर के ऊपर एक चमकदार, मूल्यवान और चमत्कारी मणि होती है। ये मणि यदि किसी इंसान को मिल जाए तो उसकी किस्मत चमक जाती है। जीव विज्ञान के अनुसार यह मान्यता भी पूरी तरह से अंधविश्वास है, क्योंकि दुनिया में अभी तक 3000 से भी ज़्यादा प्रजातियों को करोड़ों सांप पकड़े जा चुके हैं, लेकिन किसी के पास भी इस प्रकार की कोई मणि नहीं मिली है। मणिधारी वाले कंसेप्ट को फिल्म खूब यूज किया है, जो कि फॉल्स है।